ये जो कार है वॉक्सवैगन की जेटा है, इसके अंदर थोड़ा मिसिंग है गाड़ी के अंदर, और समटाइम ऐसा हो रहा है चेक इंजन लाइट आ रही है, ठीक है अभी तो नहीं आ रही बट कभी कभी आ जा रही है इसके अंदर चेक इंजन लाइट। तो देखते हैं इसके अंदर में क्या दिखा रहा है। कनेक्टर यहाँ पे लगता है, ये गेम्स ऑफ पोजीशन सेंसर पोजीशन बैंक वन का दिखा रहा है, ठीक है P0016 पेंडिंग है ये कोड, गेम्स ऑफ पोजीशन सेंसर का दिखा रहा है। इसके अंदर ऐसा रहता है, इसके जो गेम पे जो सेंसर लगे हुए, दो सेंसर आते हैं, बैंक वन बैंक टू भी आता है। ओके हाँ, दो सेंसर आते हैं इसके अंदर। अगर इसका ऑयल गंदा रहेगा, यानी ऑयल जो मतलब गड हो गया रहेगा, गाढ़ा हो जाता है, तो भी ये फॉल्ट आता है, और टाइमिंग आउट रहेगी तो भी ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अगर गाड़ी की टाइमिंग जंप मार गई है, टाइमिंग आउट है, या तो सेंसर ख़राब है, या तो फिर ऑयल गंदा रहेगा तो भी ये फॉल्ट आता है, ठीक है। जैसे इंजन ऑयल गंदा हो गया उसके ऊपर मतलब आके एकदम जमा हो जाएगा तो भी ये फॉल्ट आता है। तो इसको खोल लेते हैं अभी, देखते ऑयल गंदा है कि नहीं है इसका। दो सेंसर है इसके अंदर, कौन सा है ये, प्लास्टिक कवर रहती पहले खोलना पड़ता, और ये इसका सेंसर है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं पूरा गंदा हो गया सेंसर, पूरा ग्रीस आ चुका है इसके, मतलब ऑयल ग्रीस बन चुका है, इतना गाढ़ा हो चुका है ये सेंसर, देख रहे इसकी ऐसी कंडीशन हो गई। इसको ओरिंग निकाल के पेट्रोल से धो लेते इसको, ठीक है पूरा ग्रीस हो गया है, फिटिंग कर लेते इसको। सफर के अलावा दिखाओ, तो जैसा कि देख सकते एकदम क्लीन हो गया अभी, ठीक है। इसको इसका जो ओवरिंग है वो निकाल के फिर पेट्रोल से धोने का इसको कभी भी, या तो डीजल से धोएंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर पेट्रोल से धोना है थिनर वगैरह तो ओवरिंग निकाल लेने का ये, तो भी साफ कर दिए लगा देते। लेकिन इसके अंदर जो दिखा रहा था बैंक वन बैंक टू, तो इसमें मेरे ख्याल से ये नहीं है इसका, दूसरा इस साइड वाला जो सेंसर है वो है, इसको भी फिटिंग कर देते क्योंकि इसके अंदर बहुत कचरा था। एक इधर लगा हुआ सेंसर है, इधर सामने लगा हुआ रहता है, मतलब ये वाला जो सेंसर है अगर ये ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी अपनी, लेकिन अपनी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और ये जो दूसरा वाला है वो अगर वायर उसका निकाल भी देते तो भी गाड़ी चलती है, ठीक है। अगर ये सेंसर का फॉल्ट है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, कभी ऐसा भी रहता है अगर ख़राब हो गया तो। कभी लंबा सेल्प लेगी या ऐसा कुछ फॉल्ट आता है, या टाइमिंग का भी इशू होता है, अगर गेम स्टॉप पोजीशन सेंसर का फॉल्ट लिख के आ रहा है तो। दूसरा वाला खुल लेगा, चलेगा ये इसका दूसरा सेंसर है, ठीक है। इसका और भी एक नाम है, क्या बोलते हैं इसका, हसास ना, हसास तो अभी होता है, तो इसमें जो फॉल्ट आ रहा था ये सेंसर का आ रहा था, ठीक है। दो क्रैंक सेंसर इसमें लगे हुए हैं, ये सेंसर का फॉल्ट दिखा रहा था इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत कचरा चला गया है, मतलब इसको एक बार धो लेते पेट्रोल से साफ भी करके और वापस से लगा लेते। जो साइड में वो करता है सेंसपुराइजर, ठीक है। अगर ये करने के बाद फिट कर दिया अभी इसको, देखते स्कैनिंग में क्या दिखा रहा है। तो ये दोनों सॉकेट निकाले थे इसलिए दूसरा भी दिखा रहा है, ए का भी दिखा रहा है, ठीक है। P0010 दिखा रहा है क्योंकि दोनों चेंज किए, तो इसको एक बार फॉल्ट क्लियर करते साफ किए थे, दोनों सॉकेट निकाले इसलिए दो फॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। सर देख सकते हैं P0343 दिखा रहा है, एक बार फॉल्ट क्लियर करते। ठीक है, नो फॉल्ट कोड आ रहा है, जैसा कि देख सकते हैं इधर नो फॉल्ट कोड लिख के आ रहा है। तो समटाइम ऐसा रहता है इस केस के अंदर, अगर ये फॉल्ट आता है तो फिर टाइमिंग का भी इश्यू रहता है, लेकिन सबसे पहला ऑयल
सेंसर खोल के चेक करने का, ऑयल ओके मतलब गंदा तो नहीं है सेंसर के ऊपर, फिर उसके बाद सेंसर, फिर उसके बाद टाइमिंग। एक बार लाइव डाटा लगा के भी चेक कर लेते जी स्कैन लगा भाई, तो उसको हम लोग डाटा स्ट्रीम में भी जाके लाइव डाटा में भी चेक कर सकते हैं, मतलब कौन सा सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी है, इसमें भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी जो है फॉल्ट क्लियर हो गया है। अगर गाड़ी रनिंग के बाद वापस से ये फॉल्ट आता है तो फिर ये सेंसर डाल के चेक करना पड़ेगा, जो बाद में चेंज मतलब क्लीन किया हम लोग सेकेंड वाला, ठीक है। और अगर नहीं आया तो ओके, और अगर आता है तो सेंसर डाल के चेक करना पड़ेगा, बट अभी चांस तो नहीं लग रहा है क्योंकि अभी उन्होंने फॉल्ट दिखा रहा है, इसमें भी नहीं दिखा रहा और जी स्कैन टू में भी दिखा रहा है, और यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं इसको, जैसा कि देख सकते हैं इसमें सब दिखा रहा है।